नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मोटो यात्रा। आज अपन बात करने जा रहे हैं टाटा टिगोर के माइलेज टेस्ट की। अपन चलते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल रिफिल करवाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने टंकी फुल हो चुकी है, पेट्रोल आया है 24 लीटर। सो आप देख रहे होंगे गाड़ी की जो टंकी है वो मैंने फुल करवा ली है और मैं इसकी जो ट्रिप है उसको मैं कर देता हूँ जीरो पे, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली ये जीरो पे मैंने इसको सेट कर लिया है। और अभी जो गाड़ी मैं चलाऊंगा उस गाड़ी को टोटली हाईवे पर चलाने वाला हूँ। सो मेरे को इसका हाईवे का जो माइलेज है पहले चेक करना है वो क्या निकल के आता है इको मोड के अंदर। ऑलमोस्ट फिफ्थ गियर में गाड़ी चल रही है एंड 3.8 किलोमीटर में अब तक चल चुका हूँ। एवरेज जो इसके ऑडोमीटर में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10.4 का। जैसे जैसे गाड़ी चलती चलेगी आप एक एवरेज स्पीड आप मेंटेन करके चलेंगे तो जो एवरेज है ये अप एंड डाउन होता रहेगा। मैं अप्रोक्स जो गाड़ी की स्पीड जो है एक मेंटेन करके चलूँगा वो 80 से 90 के आसपास ही मैं मोस्टली हाईवे पर चलाता हूँ। और मैं जो एक मेरी एवरेज स्पीड है उसी है एवरेज स्पीड पे मैं गाड़ी को चलाऊंगा आज। और अभी तक 5.4 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला चुका हूँ। 8.5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और जो एवरेज शो कर रहा है इसके अंदर वो कर रहा है 24.3 का। इसको देखा जाए तो गाड़ी का एवरेज काफ़ी अच्छा निकल रहा है। मेरी एवरेज स्पीड वही है ऑलमोस्ट 80, 85, 90 के समथिंग, और इससे ज़्यादा तेज मैंने चलाई नहीं है गाड़ी। NH8 पे हूँ मैं अभी फिलहाल, दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ और देखते हैं आगे जाके 100 या 150 के मिडिल में जहाँ पे भी मुझे कोई पेट्रोल पंप अच्छा मिलेगा उस पेट्रोल पंप पे मैं गाड़ी का टैंक वापस से रिफिल कराऊंगा। और रिफिल कराने के बाद में पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो एवरेज है वो गाड़ी का क्या निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट इतनी गाड़ी चल चुकी है और ये एवरेज गाड़ी का रहा है अभी तक। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है अभी, एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा। कितना आ गया डालो फिर। बस 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 भर गया भर गया भर गया। चिट 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 काट दिया भाई साहब, उधर ध्यान दे रहे इधर भी ध्यान दो। थोड़ा सा पेट्रोल निकल गया है भाई साहब का ध्यान ही नहीं था पेट्रोल के ऊपर, इस वजह से पेट्रोल निकल गया है आपका 11 लीटर 70 रखा है। पेट्रोल के बाहर ही हूँ और अब चेक करते हैं गाड़ी का एग्जैक्ट एवरेज इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया है क्या रहा है। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 194.2 एंड 19.6, नाउ जो गाड़ी है वो फुल टैंक में है, वापस से मैंने फिल करवा लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी का एवरेज क्या आया है। जो ओवरऑल इस गाड़ी का एवरेज निकल के आया वो है 17.63, ऑलमोस्ट 17.5 का एवरेज इस गाड़ी ने दिया है। बिकॉज जो मैंने 11.70 की जगह मैंने 11 से ही 194 को डिवाइड करा बिकॉज काफ़ी पेट्रोल निकल चुका था पेट्रोल पंप पे जो भैया डाल रहे थे पेट्रोल उस टाइम। सिटी मोड की बात करूँ तो सिटी मोड का भी मैं ऑलरेडी इसका एवरेज निकाल चुका हूँ। सिटी मोड में जो इस गाड़ी ने मुझे एवरेज दिया है वो एवरेज सिटी मोड पे अप्रोक्स निकल के आया था सिमिलर 17 का। सो और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ड्राइव करते हो। तो सिटी मोड में मैंने ड्राइव करी थी, मेरे को जो एवरेज दिया वो 17 का एवरेज दिया है। सो डिपेंड करता है, जो मैं कहना चाहूँगा 15 से 17 के अप्रोक्स आपको इस गाड़ी का सिटी मोड में एवरेज मिलेगा। सेम अगर अपन इस कंडीशंस में इको मोड की बात करते हैं तो इको मोड में 17 से लेके आपको 20 तक का एवरेज इजीली दे देगी। इसी के साथ फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं एंड कोशिश रहेगी कि मैं इसी गाड़ी के एक रिव्यू के साथ में जल्दी एक वीडियो और बनाने वाला हूं, ठीक है, फुल रिव्यू विद डिटेल्स, बिकॉज अब तक ऑलमोस्ट मैं 15,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी चला चुका हूँ। सो वो डिटेल्स भी आपको मिलेगी कि मेरा अब तक का फीडबैक कैसा रहा इस गाड़ी के साथ में। एंड करते हैं एंड जल्द ही मिलता हूँ आपसे फिर नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।